ओम शांति। अब हमें अपने देह अभिमान का त्याग करना है, क्योंकि देह अभिमान ही सर्व दुखों का, सर्व अटैचमेंट का, मन के विकारों का कारण है। अगर देह अभिमान होता है तो कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं अपने शरीर में, किसी न किसी परिवार में, संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा, लेकिन जो ऊंच मंजिल पर पहुंचने वाली आत्माएं हैं, उनका जिस्म से प्यार टूट जाएगा। वो जिस्म से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर का भान टूटा हुआ होगा। सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, आत्मिक स्थिति में सदा रहें और भाई भाई की दृष्टि से दूसरों को देखते रहें। यही है ऊंच मंजिल। इसमें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही समाई है। अगर ये पुरुषार्थ हम पक्का कर लें तो जीवन की सारी हलचल समाप्त हो जाएगी। इसलिए अब हमें एक्स्ट्रा टाइम देना है, देह भान से ऊपर आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का। और जब हम देह में खुद को आत्मा समझेंगे, देह को जड़ समझेंगे और खुद को एक चेतन सत्ता ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे, उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तो स्वतः ही देह भान, देह अभिमान, सारे शरीर का लगाव, ममत्व, अटैचमेंट्स, मैं और मेरा, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी बनती जाएगी। जितना हम न्यारा हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, ममत्व से, विनाशी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, उतना ही बाप का प्यारा बन जाएंगे। और इसके लिए बार बार स्वयं को मस्तक में ज्योतिर्बिंदु आत्मा अनुभव करो कि यही मेरा स्वरूप है, मैं यही हूँ। और इसमें लंबा समय स्थित रहने का अभ्यास करो। शरीर जैसे जड़ है, ये मेरी ही शक्ति से चलता है। मैं ही सत्य स्वरूप, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।